नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। अगर आप चाहें तो भारत की एकता वाली परिकल्पना को बिखरने से रोक सकते हैं और आप चाहें तो नफरतों के बीज बोकर फिजा में नफरतों का जहर बढ़ा भी सकते हैं। वैसे भी आजकल बात कोई भी हो, मुद्दा कोई भी हो, अंत में आकर वो ठहरता हिंदू मुस्लिम वाली सोच पर ही है। कैसे? आपको याद ही होगा कि बांग्लादेश के स्टार क्रिकेटर शाकिब अल हसन हाल ही में काली पूजा में शामिल होने कोलकाता पहुंचे थे। इसी का वीडियो जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया तो उन्हें तलवार लहराते हुए एक व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद शाकिब अल हसन ने अब इस पूरे मामले पर माफी मांगी है और कहा है कि मुझे पूजा के लिए नहीं जाना चाहिए था। हालांकि धमकी देने वाले शख्स मोहसिन तालुकदार को बांग्लादेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन साथ ही एक बात की बहस भी छेड़ दी है कि क्या कट्टरता के आगे सद्भाव व भाईचारे का माहौल समाप्त हो जाएगा। इस बात का जवाब कटिहार के कासिम और नूर जहां का बनाया वह चूल्हा दे रहा है जो वे छठ महापर्व में छठ व्रतियों के लिए बनाते हैं। आपको बता दें कि आज से छठ मैया की पूजन यानी कि छठ मैया का पूजन को लेकर 4 दिवसीय महोत्सव शुरू हो गया है। यहाँ पर छठ मैया का जो पूजन होता है उसमें सूर्य के अर्घ देकर इस त्यौहार को मनाया जाता है। कटिहार में लगभग 20 सालों से अल्पसंख्यक समुदाय के कासिम और उनकी धर्मपत्नी नूर जहाँ छठ के खरना के महाभोग बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा निर्माण करते हैं। 50, 60, 70, 80 रुपए तक बिकने वाले ये चूल्हे जहाँ इस परिवार के रोजगार के लिए सहायक है, वहीं ये समाज द्वारा बनाई गई जाति धर्म की व्यवस्था व इसकी जकड़न पर छठ महापर्व बड़ी चोट करता है। दोनों दंपति दूसरे धर्म के महापर्व में अपनी भागीदारी से बेहद खुश हैं और वह कहते हैं कि वर्षों से यह काम कर रहे हैं। जो भी खरीदार आते हैं वह चूल्हा खरीद कर इस सहयोग के लिए शाबाशी देकर जाते हैं, जिससे मन गदगद हो जाता है। गरीबी अपनी जगह है मगर दूसरे धर्म के पर्व में जाने अनजाने में अपने हिस्सेदारी से ये दोनों बेहद खुश हैं। चूल्हा खरीदने आए कैलाश शर्मा कहते हैं कि यही तो महापर्व की खासियत है जो सब कुछ भुलाकर विभिन्न जाति धर्म को एक सूत्र में बांधता है। धनंजय यादव कहते हैं कि आधुनिक होते शहर में पारंपरिक त्यौहार में मिट्टी के चूल्हे बेहद मुश्किल से मिलते हैं और दूसरे धर्म से होने के बावजूद यह दंपति जिस तरह से साफ सुथरे तरीके से साफ दिल से चूल्हा बनाते हैं यह बेहद खास है। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।